तो अभी आपके सामने बाइक प्रेजेंट है हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125cc 2024 लेटेस्ट मॉडल। ब्लैक कलर में आपके सामने बाइक खड़ी है जिसमें आपको कुछ ऐसा लुक मिलने वाला है। बाकी फीचर्स इसमें कौन कौन से मिलते हैं, इसकी क्या ऑनर प्राइस है, माइलेज कितना मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना अगर आप ये बाइक परचेस करने वाले हो तो, जिससे फ़ीचर की इन्फॉर्मेशन सारी आप तक पहुँच जाएगी। और अगर आप दिवाली पर सोच रहे हो बाइक को परचेस करना तो बिना किसी कन्फ्यूजन के डायरेक्टली बाइक को आप शोरूम पे जाके परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट लुक आप बाइक का देख सकते हैं, हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125cc का। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ये वाइजर मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रेड का भी कॉम्बिनेशन मिलता है, बाकी ग्रे, और यहाँ पर आपको हीरो का 3D लोगो मिल जाता है। बाकी LED में हेडलाइट मिलता है जिसमें DRL आपको मिल जाता है। टोटली कुछ ऐसा आपको इस बाइक का लुक मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको बल्ब में इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। और नंबर प्लेट जो है आपकी यहाँ पर लगने वाली, टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट में सस्पेंशन मिलेंगे और ये ब्लैक कलर में आपको मड गार्ड मिलने वाला है। बाकी दोनों साइड से सस्पेंशन के यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं सेफ्टी पर्पज़ से। इसमें आपको दो वेरियंट मिलते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने ड्रम मॉडल प्रेजेंट, और इसमें दूसरा आपको डिस्क वाला भी वेरिएंट मिलता है जिसमें आपको 240mm का डिस्क मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको IBS मिल जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर का भी प्रेस करोगे ना तो उसके साथ में फ्रंट का भी यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। और अलॉयज का डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं। तो टायर साइज़ यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 80x100 18 inches के अलॉयज मिलते हैं, और उसमें आपको C8 कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है। अलॉयज का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, उस पर आपको रेड और वाइट जो है स्टीकर भी मिलते हैं। स्विचेस देखो, यहाँ पर पासिंग का स्विच मिलेगा, उसके बाद लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट साइड में I3S का स्विच मिलेगा जो कि एक फ्यूल सेविंग आपको फीचर मिलता है, और नीचे आपको सेल्फ का स्विच यहाँ पर मिल जाता है। मीटर इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है जो कि आपको स्प्लेंडर एक्सटेक में भी मिलता है, वही सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको रियल टाइम माइलेज का फीचर मिलेगा, कनेक्टिविटी वगैरह वो सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। और मोबाइल चार्जिंग का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये फीचर कभी ना कभी तो काम में आ ही जाता है। बाकी फुल डिजिटल मीटर है और उसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, ये सारे कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाएंगे। फ़िलहाल इसमें बैटरी कनेक्शन है नहीं क्योंकि आज संडे है, तो इस वजह से सब कुछ यहाँ पर बंद है, कनेक्शन करने के लिए कोई आदमी है नहीं। बाकी ये सारे आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो बाइक को अगर आपको परचेस करना है या फिर टेस्ट राइड लेना है तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर विजिट करके हीरो कंपनी की किसी भी बाइक स्कूटर को आप परचेस कर सकते हैं, या फिर उसकी टेस्ट राइड भी जो है ले सकते हैं। तो इसमें जो आपको टैंक मिलता है ना, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको पूरे 12 लीटर की मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको E20% इथेनॉल वाला जो अपडेट है वो भी इसमें मिलने वाला है। बाकी साइड से देखो, यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर का 3D में लोगो मिलेगा, उसके बाद एक्सटेक और बाकी सारे ये आपको ग्राफिक्स इसमें मिलने वाले हैं। 5-speed का इसमें आपको गियर बॉक्स मिलेगा, बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलेगा, जिससे अगर बाइक गियर में है और बाइक का स्टैंड नीचे है तो बाइक उस टाइम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है। और यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड मिलने वाला है, बाकी कवर्ड चैन मिलती है जो कि फाइबर बॉडी में आपको मिलेगी, पूरी कवर्ड है, तो मेंटेनेंस का यहाँ पर ज़्यादा कोई टेंशन होता नहीं कवर्ड चेन होने के बाद। बाकी साड़ी गार्ड, लेडीज़ फुटरेस, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जिससे अगर आपकी घर की लेडीज़ भी राइड जो है बाइक पे करती है तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है और बिना किसी झिझक या फिर टेंशन के राइड कर सकते हैं। सीट को ओपन करना है तो यहाँ से सीट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सीट सिंगल मिलने वाला है जिसकी कुशनिंग कुछ ऐसे आपको मिलने वाली है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, फैमिली पर्सन के साथ भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। सीट लंबा है और चौड़ा भी काफ़ी है। और सीट हाइट की बात करते हैं तो 794mm सीट हाइट, जो कि अगर आपकी हाइट 5.5 feet के आसपास है तो बाइक को आप कंफर्टेबली राइड कर लोगे। और यहाँ पर आपको पूरे 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर कोई टेंशन है ही नहीं। तो रियर लुक देखो यार, यहाँ पर आपको बल्ब में टेल लाइट मिल जाती है कुछ इस लुक में, जो कि थोड़ा सा LED वाला फील आपको ज़रूर देगी। बाकी रिफ्लेक्टर्स मिलेगा रियर में, और इस साइड से थोड़ा अंधेरा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। बाकी नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पर बल्ब में इंडिकेटर है, और कम्प्लीटली रियर का जो लुक है आपको कुछ ऐसा इसमें मिलने वाला है। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125cc में आपको इंजन मिल जाता है 124cc का, एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें आपको किक स्टार्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेल्फ स्टार्ट आपको मिलता है और उसके साथ में किक स्टार्ट भी मिल जाएगा,
जिससे कभी बैटरी में अगर बाई चांस काफ़ी सालों के बाद या फिर कभी भी जो है प्रॉब्लम आ जाए तो आप किक से ईजिली बाइक को स्टार्ट कर लोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। बाकी फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, अच्छा माइलेज ज़रूर मिलेगा। इंजन से आपको 10.8 PS की पावर मिलती है और 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। और यहाँ पर देखो कैटलिटिक कन्वर्टर आपको थोड़ा सा साइड में मिलता है, उसके ऊपर कवर भी मिलती है, तो यहाँ पर हीटिंग इशू का कोई टेंशन है ही नहीं। एग्जॉस्ट आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और रियर में जो आपको टायर मिलता है, टायर साइज C8 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 90x90 18 इंचेस के अलॉयज के साथ यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है C8 कंपनी का, और उस पर आपको ये स्टिकर भी अलॉय पर मिलने वाला है। तो माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125cc पूरे 69 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अचीव कर चुकी है, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी रियल लाइफ में आपको 65 के आसपास माइलेज मिल सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि आप बाइक को राइड किस तरह से करने वाले हो। तो ये सारे इसमें आपको फीचर्स मिलने वाले हैं और 65 के आसपास माइलेज मिल सकता है। फैमिली कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, बाकी फुल डिजिटल मीटर और उसमें कनेक्टिविटी, वो सारे आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसकी ऑनर प्राइस आपको मिलती है 1,03,000, जो कि स्प्लेंडर एक्सटेक के बराबर ही आप बोल सकते हो। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 125cc में ये सारे आपको मिलने वाले फीचर्स के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना है। बाकी तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।